और साथ ही दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने के लिए वहां पर जुटी भी हुई हैं और आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। दिल्ली के रोहिणी इलाके से ये बड़ी खबर, 14 गाड़ियां अब दमकल की वहां पहुंच चुकी हैं। इस आग पर काबू पाने के लिए आसपास के इलाके को भी खाली करा लिया गया, लेकिन प्राथमिकता ये है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए ताकि और ज्यादा बड़ा नुकसान ना हो सके। आग की ऊंची उठती हुई लपटें इस वक्त आपको दिखाई दे रही होंगी, चारों ओर सिर्फ धुएं का गुब्बार है। किस वजह से ये आग लगी वो तो अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन प्राथमिकता अभी फिलहाल ये है कि जल्द से जल्द इस आग के ऊपर काबू पाया जा सके। कितनी भयावह यह आग है आप ऐसे समझ सकते हैं कि 14 दमकल गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद है। दरअसल दिल्ली के रोहिणी का ये इलाका है जहां पर ये भीषण आग लगी है और जिस बैंक्वेट हॉल में ये आग लगी है उसकी ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दमकल की 14 गाड़ियां इस वक्त मौके पर पहुंची हुई हैं और कड़ी मशक्कत की जा रही है कि किसी भी तरीके से आग को बुझाया जा सके ताकि आसपास का जो क्षेत्र है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। ऐसे में किस तरीके से धुआं वहां पर लगातार उठ रहा है क्योंकि आग और ज्यादा विकराल रूप धारण करती जा रही है और यही वजह है कि वहां पर 14 दमकल कर्मियों की टीम वहां पर मौजूद है, 14 गाड़ियां वहां पर मौजूद है और भीषण आग किस तरीके से इन दो तस्वीरों के जरिए कैद हुई है आप देखिए। बैंक्वेट हॉल में लगी भीषण आग और उसके बाद दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। इस आग पर काबू पाने के लिए प्राथमिक तौर पर माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट इसकी वजह हो सकती है, लेकिन ये पड़ताल के बाद ही तय किया जाएगा कि आखिर इसकी वजह क्या थी, लेकिन प्राथमिकता यही कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए।